अपने परी ने दे दिया धोखा। अजमेर कल रात थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया था, इसलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। होटल वगैरह हमने हाईवे के पास में होटल लिया है। ये रहा अजमेर जयपुर हाईवे और ये रास्ते पे होटल, और वो रही अपनी परी। आपको रूम दिखा दो, ये बालकनी बढ़िया सी, यहाँ पे है वॉशरूम, ये कॉरिडोर एरिया, रूम तो है ही बढ़िया। बट इस रूम की सबसे खास बात पता है क्या है? ये अजमेर से थोड़ा सा पहले व्यापार करके एक विलेज है छोटा सा, और वहाँ पे हमने ये रूम मिला है। सो ये रूम के जो ओनर है वो सरपंच है इस गांव के, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं इस रूम पे। तो सब कुछ बढ़िया था अब तक, लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे, सर्विस भी काफ़ी अच्छी, और रूम भी बहुत बड़ा है। फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं, क्योंकि आज एनी हाउ दिल्ली तक पहुँचना ही पहुँचना है, दिल्ली जाना ही जाना है। क्योंकि अगर दिल्ली नहीं पहुँचेंगे टाइम से तो कल का फिर प्लान बिगड़ जाएगा। तो अभी मैं तो आधा रेडी हो गया हूँ, मैडम भी रेडी है, बस अभी राइडिंग गेयर्स वगैरह पहनना है और निकलने का। मिलते हैं आपको गोप्रो सेटअप पे। अगर आपको इस रूम के बारे में कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, गूगल मैप का लोकेशन एंड होटल का नाम वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। फाइनली हम निकल चुके हैं अजमेर से जयपुर की ओर, और आज का हमारा डेस्टिनेशन रहेगा दिल्ली। यहाँ पे दिखा रहा है 8 घंटे, बट मुझे पता है इससे ज़्यादा ही लगने वाले। आज कुछ भी करके एनी हाउ दिल्ली पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि नेहा का ऑफिस रहता है 5 बजे, वैसे उसका 6 बजे लॉगिंग टाइम है। सो 5 बजे तक हमें होटल सर्च करके रुकना पड़ता है, इसलिए अपन ज़्यादा देर तक बाइक नहीं चला सकते, राइड नहीं कर सकते। नेहा को हम लेके जा रहे हैं नेहा होटल में, उसके ही होटल में। नेहा तूने बताया नहीं तेरा होटल है? अच्छा, साइड बिजनेस खोल के रखा है। चलो यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म पराठे खाते, चाय पीते, फिर आगे की ओर निकलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो उनका बनाने वाला कुक है वो अभी तक आया नहीं, इसको क्या हो गया, रिसेंटर हो, तो अभी कहीं और जाके देखना पड़ेगा आगे, चलते हैं। वैसे टाइम भी बहुत कम है, जैसे ही सूरज की किरण आँख में पड़ती ना, सुकून मिलता है, सुकून इतने ठंड में, इतना प्यारा लग रहा है। बस कहीं से बढ़िया सा नाश्ता मिल जाए, मजा आ जाएगा। यार सूरज को जितनी बार देखूं ऐसा लगता है देखते रहूं, मन भरता ही नहीं उसे, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि क्या ही बताऊं। आप खुद ही देख लो क्या मस्त व्यू लग रहा है, माउंटेन है, माउंटेन के बीच में से ऐसे सूरज निकला है। देखते होटल गैलेक्सी में क्या मिलता है। बाइक को यही पे लगा देते हैं धूप में, बाइक का इतना वेट हो गया है ना, इतनी लोडेड है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही, अब ऐसा लग रहा है गिर जाएगी ये मेरा बालकलावा।
कल रात को धोया था, सूखा ही नहीं था, तो अभी यहाँ पे डाल देते हैं सूखने के लिए। जब तक नाश्ता करेंगे तब तक सूख जाएगा। मस्त पेट भर के नाश्ता हो गया। अच्छा था नाश्ता, अच्छा था, पराठा भी अच्छा था और वो शेव उसल वो भी अच्छा था। अरे वाह, पेट्रोल पंप भी साइड पे ही है, फ्यूल अप करवा देते हैं फिर निकलते हैं नॉन स्टॉप। एक मंदिर दिखा वो पहाड़ों पे, सही लग रहा है, जाने की इच्छा तो है बट टाइम की कमी अपने पास। कितना प्यारा बना है, मस्त ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर है पहाड़ के ऊपर। रुको मैं रुक के दिखाता हूँ आपको। बहुत दूर है वो। प्रॉब्लम का सिलसिला चालू हो गया। पहले तो गोप्रो माउंट टूट गया, देन उसके बाद बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसका जो सेंसर था साइड स्टैंड सेंसर उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। कैसे वैसे करके जुगाड़ लगा के हमने वो वेल्डिंग से फिक्स किया क्योंकि 26 जान था उस दिन, तो पूरा मार्केट बंद था। तो बहुत मुश्किल से एक मतलब वो वेल्डिंग का शॉप ढूंढा, शॉप भी नहीं था, एक अंकल मिल गए थे, उन्होंने हेल्प कर दिया। तो वो बाइक फिक्स करके फिर हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। आगे की जर्नी हमने वहाँ से कंटिन्यू कर ली। फिर माउंट नहीं था, इसकी वजह से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। देन हम उसके बाद गए अमृतसर। अमृतसर का मेरे पास कोई भी फुटेज नहीं है क्योंकि गोप्रो ही वर्किंग नहीं कर रहा था। तो मोबाइल के अभी आप कुछ फुटेज देखो, वो कुछ मोबाइल से शॉट रिकॉर्ड किए थे। देन अमृतसर में हम लोग 2 दिन रुके, उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू किया और गोप्रो माउंट भी हमने अमृतसर में ही फिक्स किया। का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको आना है तो यहाँ पे बेस्ट रेट में होटल मिल जाएगा। हाँ जी भैया, बेस्ट रेट में मिलेगा ना होटल? बाइक पूरी सेट हो गई, लगेज सब डाल दिया इस पे। कल हम यहाँ पे रुके थे, पास में ही है,
गोल्डन टेम्पल के वॉकिंग डिस्टेंस पे। सही होटल का रेट भी अच्छा था। बस ग्लव्स पहनते और निकलते फटाफट, मिलते आपको गोप्रो सेटअप पे। इस गलियों में ना संभल के बाइक चलाना पड़ता है और रोड भी बहुत नैरो है, सो बहुत ध्यान से चलाना अगर आप आते हो यहाँ पे बाइक लेके। तो देखो जी, एक टाइम के बस एक ही गाड़ी निकल सकती है। वाव, इतना सही है, सब हैंडमेड है। हेलो एवरीवन, दिस इज अमर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। पिछले दो दिनों से मोटो ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसकी वजह ये थी गोप्रो का हेलमेट का माउंट टूट गया था। और पिछले दो दिनों से कुछ ना कुछ हो रहा है अपने साथ। जैसे उदयपुर से निकले, फोटो खींचने के लिए रुके थे, एक ब्रेक लिया था, तभी गोप्रो का माउंट टूट गया हेलमेट का। देन उसके बाद तो मोटो ब्लॉगिंग हो नहीं पाई, और मैंने भी किया नहीं, मोबाइल से कितना ही दिखाओ यार। अभी हम बढ़ रहे हैं पहाड़ी इलाके में। थंबा। रोड देखो कितना प्यारा है, मैप में दिख रहा है फुल ऐसे ऐसे ऐसे। अभी प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले हम बिलासपुर होते हुए मंडी जाने वाले थे, बट अभी कांगड़ा होते हुए धर्मशाला, धर्मशाला से आगे फिर मंडी, फिर मनाली, ऐसे जाएंगे। तो अभी देखते हैं 6 बजे तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोशिश तो जारी है कांगड़ा तक पहुँचने के। आज का अपना स्टे रहेगा कांगड़ा में शायद। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के आगमन को आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। फाइनली हम हिमाचल प्रदेश एंटर कर चुके हैं अभी। फाइनली गाइस, वी आर इन हिमाचल। घाट में बीच में रुक गए थे, एक जगह दिखी हमें ये, तो यहाँ पे होटल देख रहे है कि नहीं, क्योंकि 6 बजने का है और इसका ऑफिस टाइम हो रहा है, इसको लॉग इन करना है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अगर है अच्छा रूम मिल गया तो आज अपन इधर स्टे कर लेंगे। देखते हैं ऊपर चल के है क्या अवेलेबल। रूम तो काफ़ी बेसिक है, मतलब गेस्ट हाउस जैसे है, कुछ खास तो नहीं है, बट मजबूरी, क्या कर सकते हैं। बस रूम घुसते ही खत्म हो गया। रूम तो इतना अच्छा नहीं है, बट मजबूरी थी, इसकी वजह से करना पड़ा। ये इसका लॉगिन, मतलब ऑफिस का लैपटॉप। वाह, पुराने जमाने का टीवी, और ये हम यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, और यहाँ से शॉर्टकट है बाहर जाने के लिए। ये आप यहाँ से भी जा सकते हो, नज़ारा बहुत बढ़िया है, दिखाता हूँ। हिमाचल बाउंड्री हमने पंजाब बाउंड्री छोड़ी और हिमाचल में एंटर हुए थे, और हार्डली कुछ 20-30 किलोमीटर आए होंगे। फिर हमें रास्ते में ये होटल दिखा पेट्रोल पंप के साइड पे, तो उसका ऑफिस टाइम भी हो रहा था, उसको लॉग इन करना था 7 बजे। तो यहीं पे हमने आज डिसाइड किया कि यहीं पे स्टे करते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकल जाएंगे, हो सकता है 5 बजे या 5:30 बजे, 5:30-6 बजे तक निकल जाएंगे। यहाँ से धर्मशाला कुछ 90 किलोमीटर से हार्डली दो ढाई घंटा लगेगा। फिर कल का हमारा मस्त गजब एडवेंचर होगा, देखते कैसा क्या होगा। Thank you.